सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजीव प्रसाद और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स विद राजीव में। सो बेसिकली ये वीडियो क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री से मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर को स्टार्ट किया है मैंने, और इस वीडियो में मैंने क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू है, और आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर डाउट्स आपको क्लियर करना है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर इसके आंसर करूंगा। और मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, मैंने एपी के कुछ टर्म्स बताए थे आपको कि जब भी क्वेश्चन एपी में दिए रहेंगे, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर एन एपी या एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एन एपी, तो किस तरह से ज्यूम करना है वो आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बताया था। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से सॉल्व करना है आपको। बोल रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एन ट्राइंगल आर एन एपी सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द लेस्ट। मतलब एक ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 3। ओके, तो तीनों एंगल जो है वो आपस में एपी में है, तो एपी में है और तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो किस तरह से एज्यूम करना है आपको, वो मैंने सारे टेक्टिक्स को सारे ट्रिक्स को मैंने आपको समझाया था किस तरह से एज्यूम करने से वो चीज़ आपको ईजी पड़ेगा और सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो क्या था टर्म्स? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर तीन टर्म्स एपी में दिए रहते हैं तो तीनों टर्म्स को कैसे ज़ूम करना है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ओके, तो तीनों एंगल्स को मैं ज़ूम करूंगा आर एन ए पी, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज द 5 टाइम्स द लीस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा? ए प्लस डी, और जो लीस्ट एंगल होगा वो ए माइनस डी। तो ए प्लस डी और ए माइनस डी के जो बीच में रिलेशन है वो बोल रहा है क्या, दोनों मैंने ए प्लस डी जो है वो 5 टाइम्स है किसका? ए माइनस डी का। ओके, तो 5 मुझे उस तरफ मल्टीप्लाई करके फिर मुझे वो सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखता हूँ मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। ओके, सो देखिए किस तरह से स्टार्ट है कि लेट द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी इज व्हाट? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि एक ट्राइंगल के एंगल्स को किस तरह से आपको एज्यूम करना है। अगर वो ट्राइंगल के एपी अगर एंगल्स जो है वो अगर एपी में दिए रहेंगे तो आपको एज्यूम करना है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अब हमको यहाँ से एक हिंट क्या पता है नाउ, तीनों एंगल का जो सम होता है, एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगल का जो एक्चुअली में जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, सो अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो ये डी डी कट जाएगा, ये ए तीन बार है तो 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। ये ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बोल रहा क्या, such that the greatest angle is 5 times the least. Okay, so greatest angle क्या है? A plus D. ये है आपका greatest angle. और ये जो least angle होगा ये हो जाएगा आपका A minus D. ये दो होगा, ठीक है? मतलब इन तीनों angles में जो बड़ा angle होगा A plus D और जो छोटा angle होगा वो A minus D. तो ये दोनों को हम लोग लिख लिए हैं। अब उसके बाद वो बोल रहा क्या कि जो बड़ा एंगल है वो 5 टाइम्स है किसके? ए माइनस डी के। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस डी होगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए बात को आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट एंगल, जो बड़ा एंगल है ए प्लस डी इज 5 टाइम्स द लीस्ट एंगल ए माइनस डी। तो ये 5 मुझे किस तरफ मल्टीप्लाई करना है? अगर मुझे ये दोनों चीज़ों को बराबर करना है तो ये ऑलरेडी ए प्लस डी जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 5 टाइम्स है इस चीज़ का, ठीक है, ए माइनस डी का। तो मुझे 5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों वो चीज़ आपस में इक्वेट हो जाए। अब यहाँ से एक का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा 60 डिग्री पुट करके। सो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 ए माइनस 5 डी। ओके, अब देखिए आप चीज को, इस ए को मुझे इधर लेके आना होगा, इस डी को इधर लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू व्हाट? 4a। ओके, तो देयरफॉर 6d इज इक्वल टू 4 इनटू कितना है? 60 डिग्री। ओके,
therefore d is equal to आ गया 40 डिग्री, ये d का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू भी आ चुका है, so therefore the greatest angle जो दिया हुआ है a plus d, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 60 plus 40 डिग्री ओके इज इक्वल टू 100 डिग्री, और ये जो लीस्ट एंगल है, ये जो लीस्ट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ओके इसका वैल्यू अगर देखें आप तो हो जाएगा 60 माइनस 40 डिग्री, देयरफॉर आंसर इज 20 ओके। सो ये दोनों का वैल्यू निकल चुका है, फाइंड द एंगल्स, और ए का वैल्यू तो मुझे पता चली गया 60 डिग्री, तो अब देखिए 100 20 और 60 तीनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है, मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो सही है, और इस तरह से इस पैटर्न में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से कि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं अगर वो एपिंग दे रहे हैं तो आप किस तरह से ज़ूम करना है उन नंबर्स को एंगल्स को। तो ध्यान से देखें a माइनस डी ए और a प्लस डी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में शायद इस तरह के क्वेश्चन आए थे शायद क्वेश्चन जो एंगल्स थे वो ट्रायंगल के एपी में थे या क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स थे वो एपी में थे, तो चार नंबर या तीन नंबर वाले टर्म्स जितने भी रहेंगे अगर वो दिए रहेंगे कि वो एपी में है तो किस तरह से ज़ूम करना है वो सारे मेथड को मैंने उस समय डिटेल में समझाया था। सो ये पूरा एक क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, सो प्लीज़ इस बार नोट डाउन कर लें, और ये अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसमें नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। थैंक यू।